लोकतंत्र में इस तरीके से जिस पार्टी के आप एमएलए हैं उसको छोड़कर के उधर चले जाना ये ठीक नहीं है। ये आप जनादेश के साथ ये और विचारधारा के साथ ये गद्दारी है, और मैं समझता हूँ कि जनता इस तरह के गद्दारों को सबक सिखाने का काम जरूर करेगी। भ्रष्टाचार का आरोप लगा कहा कि उनकी सरकार है, उनकी वो जब वो थे एक दिन तो बोले नहीं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, बोलना चाहिए ना। तो आप संरक्षण दे रहे थे क्या? ये बात तो सच्चाई है कि साहब आप 17 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन 17 साल मुख्यमंत्री तो काल में ये जो 17 महीने का कार्यकाल रहा जिसके साथ राजद माले कांग्रेस ये नहीं रहा। क्रेडिट है आप लोग खूब कमाना चाह रहे थे। अरे भाई तो आप उनको तो कहना चाहिए ना, जब वो मुख्यमंत्री थे सीएम थे तो उनको तो कहना चाहिए कि कौन करप्शन कर रहा है, उनको को बोलने से कौन रोक रहा है। अभी भी तो उनको तथ्य बोलना चाहिए ना, उनको तो तथ्य देना चाहिए। वो तो कह रहे जांच, जहां वो गए मोडानी, मोदी और अडानी के साथ क्या संबंध है पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, वहां जाकर के उस पर काम करें। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं हमारे साथ निश्चय 2 में सारा चीज था, और आप लोग आप मीडिया के साथी हैं, पहले क्यों नहीं किए? 17 साल से थे मुख्यमंत्री थे, 17 महीना जब तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने उस समय ही क्यों हुआ? खेला को लेकर के चर्चाएं थी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अभी बाकी है, लेकिन देखिए खेला जो होना था आज वो हो गया, और खेला भी हुआ तो राजद के साथ हुआ। अब इसको लेकर के कांग्रेस कह रही थी हम बहुत मजबूत हैं, हमारे जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो उसमें टूट नहीं है, अब राजद में टूट है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं, सीधे बात करेंगे। मुकेश यादव जी, कभी ये उम्मीद था कि राजद वाले के विधायक चले जाएंगे? प्रशासन के भय से और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अपना अधिकारी और प्रशासन के भय दिखाकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को पीछे से बैकडोर से ले जाने की काम किया है, ये लोकतंत्र के लिए हत्या है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा काम किए हैं और काम करते रहेंगे। उन्होंने वादा किया था जो हम 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी नौकरी, उस पर काम भी किया। 17 साल बनाम 17 महीना में उन्होंने काम करके दिखलाया है, और बिहार की जनता चाहे आरक्षण की बात हो या नौकरी की बात हो या आशा दीदी के हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो या जीविका दीदी हो, तालीमी मरकज हो, टोला सेवा को सभी के मानदेय में वृद्धि कराने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में किया गया है, और जनता देख रही है हमारे नेता फिर काम करेंगे और जनता के बीच हम लोग जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता काम किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं हमारे साथ निश्चय 2 में सारा चीज था, और आप लोग आप मीडिया के साथी हैं, पहले क्यों नहीं किए? 17 साल से थे मुख्यमंत्री थे, 17 महीना जब तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने उस समय ही क्यों हुआ? इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव भी क्रेडिट जाता। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मनोज मंजिल जी। मनोज मंजिल जी, उम्मीद था खेला होगा और हो गया? अरे खेला वोला हम लोग ये शब्द यूज नहीं करते हैं भाई, माले हम हकपा माले हैं। सहयोगी आपके कहे थे कि खेला बाकी है, उनको ऐसा लगा होगा, वो कह रहे होंगे कि भाई नीतीश जी गए हैं उधर तो जदयू के बहुत सारे विधायक खुश नहीं है, उस आधार पर वो कह रहे होंगे। लेकिन हम लोग भाकपा माले के 12 हैं, हमारे बारे में पूछिए, हम लोग निश्चित रूप से बताएंगे कि हम लोग भाकपा माले के 12 के 12 विधायक, हम लोग बिल्कुल भाकपा माले क्रांतिकारी पार्टी है, गरीबों वंचितों की पार्टी है, शोषितों उत्पीड़ितों की पार्टी है, और यह जो वर्ग है ये दलित पिछड़े मजदूर किसान, इनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले पार्टी हैं। भाकपा माले की पहचान जन आंदोलन की पहचान है, संघर्ष की पहचान है, और हम उस संघर्ष को और तीखा करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीका से सदन में हुआ उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अरे हाउस में देखिए लोकतंत्र में इस तरीके से जिस पार्टी के आप एमएलए हैं उसको छोड़ करके उधर चले जाना ये ठीक नहीं है। ये आप जनादेश के साथ ये और विचारधारा के साथ ये गद्दारी है, और मैं समझता हूँ कि जनता इस तरह के गद्दारों को सबक सिखाने का काम जरूर करेगी। भ्रष्टाचार का आरोप लगा कहा कि बहुत उनकी सरकार है, उनकी वो जब वो थे एक दिन तो बोले नहीं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, बोलना चाहिए ना। तो आप संरक्षण दे रहे थे क्या? आप संरक्षण दे रहे थे, आपको तो बोलना चाहिए। असल में अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप रिएक्शन में बोल रहे हैं। ये बात तो सच्चाई है कि साहब आप 17 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन 17 साल मुख्यमंत्री तो काल में ये जो 17 महीने का कार्यकाल रहा जिसके साथ राजद माले कांग्रेस ये नहीं रहा, इस तरीके का कार्यकाल आपका कभी नहीं रहा है। नौकरी देने वाला ये 17 महीने का कार्यकाल था।
ये बहालियां निकालने वाला कार्यकाल था। क्रेडिट आप लोग खूब कमाना चाह रहे थे। अरे भाई तो आप उनको तो कहना चाहिए ना, जब वो मुख्यमंत्री थे सीएम थे तो उनको तो कहना चाहिए कि कौन करप्शन कर रहा है, उनको को बोलने से कौन रोक रहा है। अभी भी तो उनको तथ्य बोलना चाहिए ना, उनको तो तथ्य देना चाहिए। वो तो कह रहे जांच होगा, जहां उगाए हैं, जहां उगाए हैं, जहां उगाए मोडानी, मोदी और अडानी के साथ क्या संबंध है, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, वहां जाकर के उस पर काम करें। सवाल खड़ा किया जा रहा है, सवाल खड़ा करने के लिए कर ही सकते हैं मूल बात, लेकिन और क्या भीतर भीतर चर्चा चल रही है आपको जानकारी है? क्यों गए बीजेपी के साथ, उनकी क्या मजबूरी है? वो खुद को बचाने के लिए गए कि देश के बेचने में भी भागीदार बनना चाहते हैं, कि इनको क्रेडिट कहीं ऐसा ना खाली मोदी जी क्रेडिट लेकर चले जाए। लोग भी बिकने लगे हैं, बिकने लगे हम इस रूप में ना बोलेंगे, हम इस रूप में बोलेंगे कि भाई जिस पार्टी के साथ आप हैं उस पार्टी के साथ आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो विचारधारा है, उस विचारधारा को फॉलो करना चाहिए और हर परिस्थिति में उस विचारधारा के साथ डट करके खड़ा रहना चाहिए। आप लोग कह रहे थे कि खेला होगा, खेला आप लोग, हम लोग कहाँ बोले, कभी हम तो भाकपा माले के लोगों ने कभी नहीं कहा खेला होगा। लेकिन महबूब केसर अली हैं आपके नेता थे, उन्होंने कहा था कि बरका खेला होना भी बाकी है, मांझी से जब मिलकर पता नहीं क्या बोले थे, लेकिन हम लोग तो भाई साफ कह रहे हैं कि उनका तो पहले से डेटा था ही, लेकिन एक तो और सामने दिखाई दिया कि शायद 6 विधायक जदयू के नहीं थे हाउस में, जब विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष और विपक्ष में वोट हो रहा था, आप लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे मनोज मंजिल, इनका कहना है कि देखिए जिस तरीका से हुआ है ये सही नहीं है, और विचारधारा जिस पार्टी के साथ था उस विचारधारे की पार्टी के साथ रहना चाहिए, ना कि पाला बदलना चाहिए। अब किस चीज़ का डर था ये नहीं कह सकते थे, लेकिन जो भी विधायक पाला बदले हैं उस पर जो है वो जमकर बरसते हुए नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।